सारे न्यूज़ चैनल पे बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सड़क पे उतरा है, आक्रोश है, आग है, और आग लगा लगा के बेमतलब आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, बस कुछ नहीं मिलने वाला ये लोगों को। मैंने जहाँ, मैं भी कल घर से बाहर गई थी, मैंने भी चीज़ें देखी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लोग रूटीन लाइफ चल रही है लोगों की, आराम से सब कुछ चल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ, और जो ये रास्ते पे शोर शराबा कर रहे हैं उनको बहुत दुख हुआ है, खाना नहीं हजम हुआ, उनको बहुत दुखी है। और मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो दुखी है, जो जवान के शहीद होने के बाद, इनमें से कितने लोग हैं जो सड़क पे चलते हुए इंसान की मदद करते हैं? कल मदद करने, ये वही लोग हैं जो कोई मदद करने की कोशिश करता है, एक्सीडेंट होता है तो उसको पीछे खींचते हैं और बोलते हैं अबे काम फंस जाएगा तू, लड़की की मजाक उड़ा रहे हैं तो उसका खड़े रहकर मजाक देखते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं, तमाशा। ये वही लोग हैं जो सड़क पे उतरे हैं, आज सड़क पे उतर के बोलते हैं हमें हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, हमें एडुकेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। अरे भाई, अपने सरकार से पूछो, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आप अभी इसी वक्त, आपको उस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए जाना था, आप यहाँ पे ये बोल रहे हो। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे तो क्या उनको दुख नहीं हुआ इस बात का, ये पूछेंगे आप? आप बस शोर शराबा, मैं देख रही हूँ हर इंसान कैमरा फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है अपना फ़ोन लेकर, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये किए जा रहा है। ये आपका वो है, ये आपका देश प्रेम है, ये आपका देश जवानों के लिए प्रेम है। आप इस तरह की हरकतें करके आप क्या बताना चाहते हो, जताना क्या चाहते हो? आम पब्लिक को आप खामखा भड़का रहे हो। अपनी अकल लगाइए। मेरी मेरी नॉर्मल जो मेरे भाई बहनों से, दोस्तों से गुजारिश है कि इस झगड़े को आप बेमतलब इतना पर्सनल मत होई है। हम सबको दुख है, अपने सरकार को बोलो कि जिन्होंने ये चीज़ की है उनका सर काट के यहाँ पर लाए, हमें वो चीज़ चाहिए, ना ही हम बेमतलब किसी की जान नहीं लेना चाहते। पैसे नहीं पड़ते इसलिए सब फ्री में अपनी चीज़ें भोगते हैं, यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और आप अभी आए हो, तब तक कहाँ थे? अभी उठ के आ गए हो। कोई भी कुछ अच्छी बात बोलता है तो उसके ऊपर उसकी क्लास देना बेमतलब क्या है? क्या आप शब्दों में लिखोगे तो आप दुखी हो ये दिखेगा? आप लोग बहुत दुखी हो। आप वही लोग हो जो कल कसाब भी आपके सामने आए ना, तो आप वही लोग हो जो उसके साथ सेल्फी लोगे और वही सेल्फी डीपी पे भी लगाओगे। ये जो आप जिस तरीके की बकवास कर रहे हो ना, वही लोग हैं जो सड़कों पे, जिनको लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है, ये वही लोग हैं जो अपनी मीडिया फुटेज खाने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, सारे टीवी चैनल्स और टीआरपी गेन कर रहे हैं। सिद्धू पाजी ने कौन सी बात गलत बोली, कौन सी टेररिस्ट की साइड उसने ली जो उन्होंने गलत बोला? उन्होंने वही बोला कि आप जो चीज़ प्यार से सुलझा सकते हो ऐसे नहीं सुलझा सकते। सिद्धू पाजी, हेड्स ऑफ टू यू, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आप बेस्ट हो क्योंकि आपने अच्छी चीज़ बोली। देखो, अपोजिट पार्टी के लोग आप हो तो बेशक बोलो, बेशक बोलो, चलो आपका हक बनता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई गलत चीज़ बोली नहीं है, उन्होंने अच्छी चीज़ बोली। ठीक है, आज हमारे देश को स्वतंत्रता ऐसे ही मिली है, जो भी हुआ है आप सबको पता है। इसीलिए इस तरह से उन्होंने 4 मारे, आप 8 मारो, उन्होंने 10 मारे, आप 20 मारो, आप वही कर रहे हो जो उन्होंने किया। आप भी तो किसी के घर के बीवी बच्चे माँ बाप को मारोगे, ये तो गलत नहीं है। जिन्होंने मारा है उन लोगों के सर लेके आओ, ये बोलो सरकार को, किसी बेगुनाहों को क्यों मारेंगे हम, ये हमारी इंसानियत नहीं है। आप राहुल जी का फोन उन्होंने क्या देख लिया? उनको क्या जवानों के लिए प्यार नहीं है? आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछिए कि सर, आप 24 घंटे नहीं हुए नौजवान शहीद होकर आप ट्रेन का उद्घाटन करने चले गए, यहाँ लोगों ने ट्रेन बंद करवा के रखी है और आम पब्लिक उसमें सफर कर रहा है, पीस रहा है, आम पब्लिक, आम जनता, और आप ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हो? किसी ने पूछा है इस बात को? नहीं पूछो, आई डोंट नो, दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ, शांति से काम करो, इस तरह दहशत मत फैलाओ। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से
बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि बॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म करो, अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान शहीद हो गया, क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, क्या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य, और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਨ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨੋਟਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ। ਸੋ ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 40 ਤੋਂ 50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੂਅਲੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਜੈਨੂਅਲੀ ਅੱਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਮਨਮ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ Every evening you got to see your family. I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights and music. I celebrated with my comrades in bunkers. We both married. Your wife got to see you every day. My wife just wished I was alive. You were sent to business trips. I was sent on line of control. We both returned. Both wives couldn't control their tears, but you wiped her. I couldn't. You hugged her. I couldn't, because I was lying in the coffin with medals on my chest and coffin wrapped with tricolor. My way of life ended. Your continued. We both left home at 18. Jai. आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है, और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतर कर जय हिंद। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट, टुडे अर्ली मॉर्निंग, व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज वेरी शॉक। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पर आ चुकी थी, और यू नो द काउंट ऑफ सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देन द होल पॉलिटिकल ब्लेम दैट हैपेंस, बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी
it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react, and that's CRPF jawans who are, main Kashmir bahut jaati rehti hu, mujhe bahut pasand hai, and the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state, and this was matlab koi kaise koi keh bhi nahi sakta hoga ki aisa kuch ho jayega, and of this degree. I really hope that they get justice. I my deepest condolences to the family. I think isse zyada hum kuch keh rahe ki position mein nahi hai. Kya iska kya reaction hoga? Bahut dukh ki baat hai, takleef hoti hai, aur har deshvasi ko takleef pahunchi is baat se. Bas sab yahi kahenge ki unki families ko upar wala himmat de, aur jo log is waqt ghayal hai unke liye hum dua karte hain ki wo jaldi se acche ho jaye. आप क्या कहेंगे इस बारे में? सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे, और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो. जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के नाम, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ. इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है. तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड. सो एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग, एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान्स आर क्रिटिकली इंजर्ड. इट्स अ सीवियर डेंट इन आर नेशनल सिक्योरिटी. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन सो लाइटली एज टू किस तरह बदला लेना चाहिए. वो है हमारे, वी हैव अ यू नो डिफेंस डिपार्टमेंट इन प्लेस, एंड इट्स अ सीरियस मैटर विच यू नो नीड्स टू बी एड्रेस्ड सीरियसली, नॉट वाइल इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट वी शुड ड्वेल्व इन टू राइट नाउ. जी Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K.S. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये बहुत, ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवोलस ना करें. यू इमेजिन दोस 42 फैमिलीज हुज सन्स हैव पास्ड अवे. इट इज एक्चुअली अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. बट दिस इज वर्क, लाइक दिस है शो अस मोर्न्स.
अंदर जाना। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं जी, पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक है देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुँची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स, वी डू मोर अबाउट इट।